दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली बदलाव करके इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर डुअल पंप दिए हैं, जो कि 32 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल सप्लाई करके इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग की कैपेसिटी को और परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा एनहेंस कर देते हैं। ट्रैक्टर 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स नहीं बल्कि 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स फुली साइड शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ में आने लगा। ड्यूटी कंपनी फिटेड नॉन एडजस्टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रंट एक्सल मिल जाते हैं और इस ट्रैक्टर के जो फ्रंट एक्सल हैं यहां पर कंपनी ने इस श्रेणी की सबसे ज्यादा हैवी ड्यूटी क्रॉस वाली शाफ्ट को यूज किया। ट्रैक्टर में कंपनी ने जो है 6 स्पीड लाइन वाला पीटीयू ऑफर किया हुआ है। ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब मिल जाते हैं, जिससे आप इस ट्रैक्टर में बड़े बड़े संयंत्रों को आसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। 3 पॉइंट फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। आज की फिर एक न्यू फ्रेश शानदार वीडियो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में 50 HP श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा ऊंचाई और ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आने वाले एक ऐसे ट्रैक्टर का हम फुल डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि फोर व्हील ड्राइव में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में इंडिया में किसानों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर ही रहे हैं इस ट्रैक्टर के फोर व्हील ड्राइव की, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की। तो यहां पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रंट एक्सल ऑफर किए हुए हैं और यह ट्रैक्टर आता है फोर व्हील ड्राइव के साथ में। तो इस ट्रैक्टर की जो आपको फ्रंट की फोर व्हील ड्राइव की शाफ्ट है अपनी श्रेणी में सबसे ज्यादा हैवी ड्यूटी कंपनी ने इस ट्रैक्टर में फोर व्हील ड्राइव क्रॉस वाली शाफ्ट ऑफर की हुई है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा हैवी डुअल ड्यूटी और साथ में मजबूती के लिए इंडिया भर में जानी जाती है। दोस्तों बात करें यदि हम इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर पंप की, तो कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में देख सकते हैं हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर डुअल सेपरेट पंप ऑफर किए हुए हैं, जिससे आपको इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर शानदार परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि इस ट्रैक्टर के जो पंप हैं 32 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल की सप्लाई देते हैं। और यहां पर जो आपको इस ट्रैक्टर में सेल्फ स्टार्टर मोटर कंपनी ने दी हुई है, 12 वोल्ट 2 किलो वाट तक की सेल्फ स्टार्टर मोटर विथ प्रोटेक्शन कवर के साथ में दी हुई है। इस ट्रैक्टर में यदि हम बात करें वाटर सेपरेटर की, तो यहां पर जो आपको इस ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर की पोजीशन मिल जाती है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो आपको हाइड्रोलिक के अंदर ऑयल फिल्टर मिलता है, कंपनी ने काफ़ी बड़ा और चौड़ा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर दिया हुआ है, जिससे इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक में ऑयल बेटर क्वालिटी के फिल्ट्रेशन के साथ में जाता है, जिससे इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग और स्टीयरिंग शानदार परफॉर्मेंस के साथ में वर्क करती है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर फाइबर का टूल बॉक्स कंपनी ने ऑफर किया हुआ है, जो कि बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल से बनाया जाता है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में यदि हम बात करें फ्रंट में बम्पर की, तो यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से 2 क्विंटल तक का इसमें आपको फ्रंट बम्पर ऑफर किया जाता है, जो कि आप अपनी तरफ से लगवा सकते हैं। हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड के अंदर इसमें जो है आपको 45 kg का फ्रंट बम्पर देखने के लिए मिलता है। बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर में स्टीयरिंग के अंदर, तो यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक इंडिपेंडेंट टाइप पावर स्टीयरिंग ऑफर की हुई है। साथ ही यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट 36 MPL का अल्टरनेटर और यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन मिल जाती है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो आपको एयर क्लीनर मिलता है प्री टाइप 3 स्टेज जो है कंपनी आपको इस ट्रैक्टर में एयर क्लीनर ऑफर करती है और यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो आपको बैटरी मिलती है इसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं 100 AH और 88 AH के साथ में। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में हम जिस ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं यह है न्यू हॉलैंड कंपनी की तरफ से आने वाला न्यू हॉलैंड का 3630 फोर व्हील ड्राइव, जो कि 50 HP सेगमेंट में इंडिया में किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस ट्रैक्टर के अंदर यदि हम बात करें दोस्तों बैजिंग की, तो न्यू हॉलैंड 3630 TX सुपर की बैजिंग मिल जाती है, सुपर प्लस की बैजिंग मिल जाती है। इंजन के अंदर दोस्तों यदि हम बात करें इस ट्रैक्टर में, तो 2931 CC का 3 सिलेंडर वाटर कूलेंट 50 HP का इंजन मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 2200 रेटेड स्टैंडर्ड RPM तक वर्क करता है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो आपको टायर साइज मिलते हैं 50 HP सेगमेंट में न्यू हॉलैंड का एकमात्र इकलौता ही ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें आपको टायर साइज जो है बहुत ज़्यादा ऊपर और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस 400 mm का देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम आए हुए हैं श्रीराम ट्रैक्टर एजेंसी, जो कि जबलपुर में स्थित है। बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर में यदि टायर साइज की, तो इस ट्रैक्टर का जो आपको अगला टायर मिलता है MRF कंपनी का, कंपनी ने इस ट्रैक्टर में टायर ऑफर किया हुआ है, जो कि 950x24 के साथ देखने के लिए मिल जाता है। और पिछला टायर जो है आपको इस ट्रैक्टर में 16x28 टायर साइज के साथ में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों इस ट्रैक्टर में यदि आप इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल करेंगे, तो इस ट्रैक्टर में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर बताता है, बट इस ट्रैक्टर में जो है आपको 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर ऑप्शन के साथ में 15 गियरबॉक्स स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर यदि बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। फुट स्टेपर जो है प्लेटफॉर्म से अटैच करके दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी के साथ में आता है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में यदि हम प्लेटफॉर्म की बात करें, तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है आपको काफ़ी अच्छा कंपनी ने स्पेस दे के रखा हुआ है, जिससे आप इस ट्रैक्टर में बड़े आराम से लंबे समय तक इस ट्रैक्टर को ऑपरेट कर पाएंगे।
इस ट्रैक्टर में यदि हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में एनालॉग और डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है। जिसमें यदि हम इंफॉर्मेशन के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में बैटरी सर्विस रिमाइंडर, फ्यूल इफिशेंसी, ट्रैक्टर के लाइव RPM, साथ में ट्रैक्टर के टोटल ड्रिवेन घंटे और साथ में ट्रैक्टर के टेम्परेचर जैसी इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर के राइट तरफ यदि हम इस ट्रैक्टर में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर में लिफ्टोमेटिक दी हुई है, जिससे आप इस ट्रैक्टर में सेफरेट नेत में सेट करके आप बेटर जुताई बोनी का अनुभव ले सकते हैं। साथ में इस ट्रैक्टर में डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल में मिलते हैं, तो उसका लीवर यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में, इस ट्रैक्टर के गियर में जो है आपको नंबर ऑफ गियर 5 मिलते हैं, जिसमें आपको 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स का गियर देखने के लिए मिलता है। यहाँ जो है आपको इस ट्रैक्टर के DCPC लीवर मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में देख सकते हैं डिफरेंशियल गियर भी जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर में ऑफर किया हुआ है। ब्रेकिंग के अंदर बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर में जो है आपको ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, इस ट्रैक्टर में यदि हम बात करें ड्राइवर के लेफ्ट तरफ, तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में ट्रांसमिशन चलाने के लिए सेफरेट क्लच कंपनी ने दिया हुआ है। और इस ट्रैक्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं लो हाई मीडियम का गियर मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस ट्रैक्टर में 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर मिलते हैं। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में PDU के अंदर इंडिपेंडेंट क्लच मिल जाता है। साथ ही PDU के अंदर डबल स्पीड जो है आपको इस ट्रैक्टर में देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर में मोबाइल चार्जिंग जैसी कनेक्टिविटी के लिए यदि बात करें तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट की मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ ही अब हम आपको इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इस ट्रैक्टर के टर्निंग रेडिएशन और साउंड नॉइजेशन को चेक कराते हैं। इंडिपेंडेंट पावर स्टीयरिंग है, बट बहुत शानदार और तगड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस है। RPM की बात करें, कंपनी 2200 रेटेड क्लेम करती है इस ट्रैक्टर में। HP की श्रेणी में इंडिया का एकमात्र ऐसा ये ट्रैक्टर है जो कि ऑलमोस्ट 2200 से लेके 2300 रेटेड स्टैंडर्ड RPM तक वर्क करता है। मिरर प्लेसिंग पोजीशन की बात करेंगे तो शानदार जगह में प्लेस की हुई है, जिससे आपको पीछे की तरफ की जो विजिबिलिटी है एकदम क्लियरली मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, इस ट्रैक्टर में यहाँ पर जो है आपको ड्राइवर है ग्रैब हैंडल मिल जाता है, हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड। इंडिकेटर ब्रेकिंग लाइट के अंदर परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। अश्योर्ड सेफ्टी प्लस कंफर्ट की जो है आपको इस ट्रैक्टर में बैजिंग मिल जाती है। फेंडर के नीचे गैप वगैरह की यदि बात करेंगे तो वो भी शानदार कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है, जिससे आप इस ट्रैक्टर में पल्लिंग या मचौवा करते समय इस ट्रैक्टर के जो फेंडर हैं वो बिल्कुल भी नहीं बुझने वाले। साथ ही दोस्तों, इस ट्रैक्टर में यदि हम पिछले हिस्से के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो है इसका लुक दिया है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, फिटिंग एंड फिनिश के साथ में पीछे की तरफ से इस ट्रैक्टर का लुक आता है। चलिए बात करेंगे पिछले हिस्से के फीचर्स की, तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल में मिल जाते हैं। LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट बार मिल जाता है। साथ ही टॉपलिंग के अंदर 3 पॉइंट मिल जाते हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। लिफ्ट जो है आपको इस ट्रैक्टर में 1800 से 2000 kg की क्षमता वाली मिल जाती है। PTU के अंदर यदि हम बात करें दोस्तों, तो इस ट्रैक्टर में जो है आपको 46 HP का मल्टी गियर स्पीड 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर ऑप्शन के साथ में आने वाली PTU मिल जाती है। और दोस्तों, इस ट्रैक्टर में जो आपको गियर बॉक्स मिलता है प्लेनेटरी ड्राइव टाइप, आपको कंपनी इस ट्रैक्टर में गियर बॉक्स ऑफर करती है। साथ ही दोस्तों, इस ट्रैक्टर की जो आपको परफॉर्मेंस है वो इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें PTU HP 50 HP के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज, रिफ्लेक्टर की पोजीशन, बैक की साइड बात करें तो बैक वाली हिलोजन लाइट मिल जाती है। नंबर प्लेट के लिए कंपनी ने जो आपको इस ट्रैक्टर में पहले से प्रोविजनल करा के दी हुई है। साथ ही इस ट्रैक्टर के पैसेंजर ग्रैब हैंडल 3 जगह से सपोर्टिंग बार वाले मिलते हैं, जो कि अपनी श्रेणी में काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी न्यू हॉलैंड कंपनी की तरफ से आने वाले न्यू हॉलैंड 3630 सुपर प्लस की खूबियों से भरी फुल डिटेल रिव्यू वीडियो। आशा करते हैं ये 4WD 50 HP के ट्रैक्टर की फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान, जय किसान।